हैप्पी होली एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हम सब आएंगे आप सोच रही हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज है होली और सुबह मैं उठ गई थी आज 9 बजे, थोड़ी ज़्यादा जल्दी उठी गई। तो जैसे कि आपको पता है कि आज होली है और हमारा रूटीन बट वही है। तो मैंने बनाया है आज अपने ब्रेकफास्ट में डिलीशियस सा पोहा, साथ में बन रही है मेरी चाय। और आज मैंने क्या किया ना, जब तेल डाला ना साथ में हरे मटर डाल दिए, वो हरे मटर ना ऐसे 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 निकल गए कढ़ाई में से बाहर। तो अभी करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। होली का कोई प्लान नहीं है मेरा क्योंकि मेरे दोस्त भी नहीं है अभी यहाँ पे। और चलो दोस्त, होली वैसे फैमिली के साथ भी मनाया जाता है, तो फैमिली भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, अकेले हैं हम, पर हम खुश हैं। आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और आज हमारे पड़ोस वाले सुबह ही इन्होंने होली का सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दिया था। अभी तो चलो शांत हो गए हैं सब। इतना ज़्यादा तो नहीं मनाया जाता यहाँ पे, पर्टिकुलर कुछ एरियाज़ में होली बहुत ज़्यादा मनाई सेलिब्रेट की जाती है यहाँ पे। जैसे कि सूखना लेक हो गया, अगर आप वहाँ पे चले जाओ ना, मतलब गंदी होली खेलते हैं वहाँ पे, गंदी होली। एक ही बार खेली, एक बार देखी मैंने वहाँ की होली, पर नहीं, वो हमारे टाइम की होली नहीं है, गांव की होली। आज मैं लाइव पे देख रही थी, मेरी सिस्टर खेल रहे थे तो सब होली खेल रहे हैं साथ में प्यार से और भजन कीर्तन। यार ये है होली। चलिए ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और आज शायद पल्लू आएगी शाम तक। दिन का मेरा कोई प्लान नहीं है, मेरा आज यही है कि आज मैं काम करूँगी एक तो अपना, और शिवानी का ऑफिस की हुई है आज। ये तो मैंने सोचा था कि चलो उनके लिए कुछ बना दूँ, कल उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया था, वो भी ऑफिस की, उसका भी ऑफ नहीं है, तो बस यही है यार। खाना खा लेते हैं। मेरी फ्रेंड की कॉल आ रही है घर से, मैं पहले उससे बात कर लेती हूँ, उसको कुछ ऑर्डर प्लेस करना है वो ले लेते हैं। दे मजानी मेरी गिनी ओ जानी। बेशर्मों की तरह पहुंच गए हम फिर से चाय पीने इनके घर में, दोपहर के बज रहे हैं। क्या टाइम हो रहा बड़ी, 12:00 बज गए, पर इसने खुद ही बुलाया मुझे, क्या करना बेचारे मेरे बिना रह नहीं सकती है, अट्रैक्टिव इतनी हूँ मैं। राधे राधे सखी, कैसे हैं आप? सखी के हाथों की चाय की आदत हो गई है, सखी वैसे खुद पीती नहीं, कल भी बताया था मैंने, पर हमारे लिए बना देती है। थैंक यू सखी, आभार सखी। चाय बनेगी ठंडी की चाय आई जाओ ना, बड़ी लगाई बड़े बारी पोचे वाली थी बन दी आई, बड़े बारी संस्कारी में ब्याह हो जाना तेरा, पोचा लाई नहीं थी वीडियो च। शुक्रिया शुक्रिया। दोपहर के बजने वाले 3 और आज इतनी तेज धूप है, इतनी गंदी गर्मी आ रहा है यहाँ पे, पूछिए मत। मैंने किया ऑर्डर्स पैक और अभी मैं हुई फ्री, सोच थोड़ी देर सो जाऊँ, टायर्ड सा फील कर रही हूँ। लंच मैंने नीचे कर लिया था आज, साथ वाले आंटी ने कचौड़ियाँ बनाई थी आलू की, वो खा ली थी मैंने शिवानी के रूम में, साथ में चाय भी पी लिया था। तो लंच तो अभी बनाना नहीं, और एक सर्वाइकल ने ना मेरी जान लेके रखी है। चलिए मिलते हैं अभी, राधे दर्शन करिए सब तेरे साथ होंगे। कोई बात नहीं, हमारे गोपाल जी सब्जी लेने आए थे हम, और सब्जी आजकल इतनी महंगी हो रखी है, क्या बताइए। आंटी हैं हमारी सखी की मम्मी, आए वृंदावन जा रहे हैं कल और हम लोग ले रहे हैं सब्जी, कोई भी सब्जी जो है 80 से पीछे नहीं है, बहुत महंगी हो रही है। आंटी शॉक्ड हो गया सब्जियों के रेट सुन के, हमारे वहाँ पे 20 रुपए किलो है गोभी, यहाँ पे 60 रुपए किलो, सब्जियाँ वैसे फ्रेश हैं पर कॉस्टली हो रखी है आजकल ज़्यादा ही, पता नहीं क्यों। मैंने लिया मटर और मैं सोच रही हूँ एक करेला ले लूँ, समझ नहीं आता यार क्या बनाएं, सब्जी की बड़ी समस्या है डेली। आंटी बोल रहे बोले गुलियां को फायरी बोले ने पैक करने वाले, आंटी सलाद खान दे ना, तो आंटी आज बोले मेरी ये माँ है, बोले क्या क्या खान दे गुलियां, भैया कैसे थी गुलियां, क्या बोलते हैं गुलियां, गुलियां ओ यार तो कुत्ता नहीं पूछेगा इनको। कितने की है ये, 60 रुपए की,
60 रुपए की गाइस ये सैलेड। हाँ मरी हंसी हंसी ने मैं। हाँ सब्जी कुछ नहीं थी तो मैंने सोचा कि जाते हैं, साथ में मैंने लाया आंटी के, आंटी ने ना ये लगी गई नीचे पुदीना लगाई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, तो ये लोग बोल रहे थे कि हमने आपके हाथ की चटनी खानी है, फिर इनके लिए बनाऊंगी चटनी और सब्जी लाई तो अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और मैंने आज कैरी भी लेके आई हूँ, 100 रुपये किलो लग गई, अभी इसकी बनाऊंगी मैं चटनी बढ़िया से। बड़ी बड़ी गर्मी है मोयो, सोचा नहीं भाई बैंगन बना ही लेंदी या बैंगन ही बना लेते हैं, बैंगन की सब्जी लगा पता। हाँ सो रहे हम, रात के बज गए क्या, ठहर सोल दे, जो ते को मांग दी रही क्या करती, मेरी सोल दे, एड़ा बोल दीदी जी सोल दे, आ दीदी जी सोल दे। हाँ जी आलू नहीं है। खाना वगैरह मैंने खा लिया था, इसके लिए बना दिया था, इसने भी खा लिया और ये बहुत थके थे क्योंकि ट्रैक पे गए थे लोग। अभी रात के बजने 12 में बैठी थी नीचे शिवानी के रूम पे चाय वगैरह पी खाने के बाद हम, और आज मैंने फिर टेस्टी सी चटनी बनाई थी एक मैंगो की, सेहत फ्रिज पता नहीं बनाई थी त्रिक नहीं थी सदी की दिया थी लगा दी फ्रिज में। बस यही था आज के ब्लॉग में, होप करती हूँ आप लोगों की होली अच्छी हुई होगी, सबने सेलिब्रेट किया होगा अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टाटा।